मॉडेड हाइपरओएस के लिए अगर आपको एक नया थीम चाहिए तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा इसमें आइकन्स देखने को मिलता है, चेंजेस काफ़ी प्रीमियम है, तो स्किप मत करो वीडियो को। पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइकन्स देखने को मिलता है, आइकन पैक काफ़ी प्रीमियम है, सभी आइकन चेंज हो जाएगा, चाहे वो गूगल का फोल्डर हुआ, होम स्क्रीन हुआ, टूल्स का फोल्डर हुआ, सभी जगह में आपका आइकन चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर थोड़ा सा खराब लगा आप वो चेंज कर सकते हैं, और आप अगर जाइएगा इसके कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसमें टॉगल्स यूआई लुक चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ पर्पल लाइन के साथ जो आपका चाहिए कंट्रोल सेंटर और सभी टॉगल्स चेंज हो जाता तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली इसका कंट्रोल सेंटर काफ़ी अच्छा लगा, और ये थीम बस आपका डार्क मोड ही सपोर्ट करता है, तो पहले डार्क मोड एनेबल करो फिर थीम को अप्लाई करो, नहीं तो वो चेंज नहीं कर पाएगा आपका डिवाइस का लुक को। और अगर आप जाइएगा फुल स्क्रीन में तो ये अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, फुल स्क्रीन में कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिलता है। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स का यूआई में तो सेटिंग्स का यूआई में बस इसका यूआई जो है चेंज किया गया, टॉगल चेंज नहीं होता, वो आपको डिफॉल्ट टॉगल्स ही देखने को मिलता है। बट अगर आप जाइएगा इसका अबाउट फोन में तो उसमें आपको देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक, काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलता है। डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स पे भी काफ़ी अच्छा चेंजेस देखने को मिल जाएगा, यूआई काफ़ी नेक्स्ट लेवल लुक के साथ। और अगर आप जाइएगा बाकी जैसे कि इसका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ यूआई देखने को मिलता है। और अगर आप जाइएगा बाकी जैसे कि इसका साउंड एंड वाइब्रेशन में तो साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आपको जो प्रॉपर यूआई रिवैम्प देखने को मिल जाएगा, कहीं भी आपको कुछ भी यूआई में कमी नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ आपका फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक में भी चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा। डिजिटल सेटिंग्स के साथ साथ जो काफ़ी अच्छा प्रीमियम चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो यार प्लीज़ ट्राई करके देखो, शायद आपको पसंद आ जाए। डायलर मैसेजेस आप चेंज हो जाएगा अगर आपका डिवाइस में हाइपरओएस का डायलर और मैसेजेस ऐप है, और वॉल्यूम सेटर चेंज होना चाहिए था पर्पल लाइंस के साथ देखने को मिलता तो बेटर रहता, बट वो चेंज नहीं हो रहा। देखो कंट्रोल सेंटर चेंज होने के बाद भी कुछ थीम्स ही है जो कि ये चेंज नहीं करता, तो वो थीम जैसे ये भी है। और आपको लॉक स्क्रीन सिंपल सा देखने को मिलता है, iOS इंस्पायर्ड है, बट इसमें आपको उतना फीचर्स नहीं देखने को मिलता, डबल टैप करके कस्टमाइज करने का ऑप्शन या एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता इसमें, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको बस जाना होगा आपका लॉक स्क्रीन मतलब थीम ऐप में जाओ, लॉक स्क्रीन लॉक स्टाइल में जाओ, और फिर आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आपका काम है ट्राई करके देखो। लॉक स्क्रीन बस सिंपल सा देखने को मिलता है, मेरे को ये वॉलपेपर उतना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इससे बेटर जो आपको इताची का वॉलपेपर मिल जाएगा, और जो कि मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो जाओ वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और इंजॉय करो हाई क्वालिटी बेस्ट वॉलपेपर्स। और अगर आपको ये थीम चाहिए तो जाओ यार थीम स्टोर में सर्च करो पेन V15, जैसे सर्च कीजिएगा पेन V15 आपको ये थीम मिल जाएगा, जाओ जल्दी से सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा आपको ये थीम। आई होप आपको ये पेन V15 पसंद आएगा। देखो पसंद आ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ऐसा थीम्स टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।